हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मकसूद और स्वागत है आप लोग को मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग पोकलन मशीन के हेल्पर में आना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि पोकलन मशीन के हेल्पर में जाएंगे तो मेरे को क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो आज मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पोकलन मशीन के हेल्पर में आप लोग आएंगे तो सबसे पहले क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर पोकलन मशीन के हेल्पर में आप लोग आएंगे तो ग्रीस करना पड़ेगा और मशीन को साफ सफाई पूरा करना पड़ेगा और इंजन ऑयल चेक करना पड़ेगा और फिर होता है रेडी वाटर जो रहता है उसमें पानी रोज का चेक करना पड़ेगा। पानी कम हो जाता है तो पानी डालना पड़ेगा उसमें, और हाइड्रोलिक चेक करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक का लेवल और स्विंग मोटर का गेज मापना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो जहाँ भी आप लोग जाएंगे, जो भी ऑपरेटर भाई लोग रहेंगे, वो आप लोग आपको सबसे पहले यही सब बताएंगे कि इंजन ऑयल कहाँ पे रहता है और हाइड्रोलिक कहाँ पे रहता है और स्विंग मोटर का गेज कहाँ पे रहता है। ये सब जो है आप लोग को ऑपरेटर भाई बता देंगे कि कहाँ पे रहता है और किस तरह से इसको नापना है, किस तरह से कितना रखना है, तो आप लोग समझ जाएंगे। और ऐसा होता है कि बहुत जगह की खाना का बात आता है, जो तो बहुत जगह है कि खाना को खुद से बनाना पड़ता है और बहुत जगह ऐसा रहता है कि खाना मेस से आता है, कहीं मेस रहता है तो खाना मेस से आता है और मेस से दोनों लोग को मिल जाता है, ऑपरेटर को भी और हेल्पर को भी। तो वहाँ पे आप लोग को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा और कहीं कहीं नहीं रहेगा खाना बनाने का, तो आप लोग को खुद से खाना बना के खाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर हेल्पर लोग को यही सब काम रहता है पोकलन मशीन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि हेल्पर लोगों को क्या क्या काम रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और मेरे चैनल पे आप लोग नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।